हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन जिनके बारे में सोच सोच के आप परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी अता पता नहीं हो सकता है सिचुएशन में, लाइक ना उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है या फिर फीलिंग्स कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो सिचुएशन के लिए ये रीडिंग हो रही है। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें ना जैसे आपके लिए बहुत रेजोनेट कर सकते हैं तो कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं। तो जो भी है हमें जो पॉजिटिव लगता है ना उसको ही लेना है, और जो निगेटिव लगता है बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। वैसे जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो जो एनर्जी थी, यू नो एनर्जी थी स्पेशली आपकी तरफ, ऐसा लगा ना कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा शांत, और यू नो न्यू मून की एनर्जी थोड़ा सा अफेक्ट डालने लगी है। और इसका पता नहीं क्यों अभी तक आपके पर्सन की एनर्जी में ना एकदम उछाल नहीं है। इसके लिए आपकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल इन द सेंस कि शांत है। ऐसा नहीं कि इंतज़ार नहीं है, ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से कुछ मूवमेंट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट समाव आप ना खामोश हो, मतलब आप सच में नहीं जानते कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो। अगर आज की एनर्जी में आप पूछेंगे ना कि आप चाहते क्या हो, तो बस आपकी लाइफ में जो भी आपकी नॉर्मल सुख शांति है ना वो आप चाहोगे, लाइक फैमिली का वगैरह सब कुछ अच्छा है, या फिर अपना जो बिजनेस है, अपना जो करियर है, अपना जो जॉब है, उसमें जो चल रहा है वो अच्छा चले, बस चलता रहे, अच्छे से चलता रहे। और अगर नहीं चल रहा है तो कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आए और उसके ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा हो, ऐसा काइंड ऑफ आपकी एनर्जी है। क्योंकि समाव ना एक अजीब सी ना उम्मीदी या नॉन एक्सपेक्टेशन है आपकी आपको, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि समझाना कि एग्जैक्टली आप फील करते हो। इट्स नॉट अबाउट कन्फ्यूजन, बट सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जो ईश्वर चाहे, जो यूनिवर्स चाहे, वो ठीक हो, बस मुझे शांति दे दो वाली एनर्जी है। क्योंकि हो ना हो ये पर्सन के आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यस, इसके लिए आप परेशान हो, अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में बता होता ना कि काम तो करें, अचानक से किस चीज़ में नज़र जाए, ध्यान जाए, वो वाली चीज़ है। तो रीडिंग आप देख रहे हो जस्ट टू मतलब ना पता नहीं क्यों एग्जैक्टली अगेन वही रीडिंग देख रहे हो वो भी पता नहीं क्यों, बट अच्छा लगता है। तो शायद मुझे सुनना अच्छा लगता हो या किसी और को सुनना अच्छा लगता हो, कोई हमारे लिए कंसर्न हो ये अच्छा लगता है, शायद उसके लिए रीडिंग देख रहे हो। वरना टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा कम है आपको। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। रिचुअल्स सारे कंप्लीटेड, अभी जब भी मैं फ्लेम जला रही हूँ, कैंडल जला रही हूँ, तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करने की कोशिश करनी है, और एटलीस्ट नाम तो लीजिए। पॉसिबल नहीं है ना चेहरा याद करना, या याद ही नहीं आ रहा, या फिर तकलीफ हो रही है, तो नाम ले रही। स्ट्रॉन्गली टॉरस एनर्जी मिल रही है, टॉरस इन कैप्रिकॉन, स्पेशली उनकी साइन हो सकती है टॉरस या कैप्रिकॉन। एंजल बींग्स अगेन, यस, कहीं ना मुझे संभव ऐसा लग रहा कि यूनिवर्स, ईश्वर जो भी है ना, वो अभी ना कोई ऐसा नहीं कि आपके हक में ऐसा फैसला है, ऐसे कुछ बात नहीं है, बट एक है अभी जो है ना एक न्याय की स्थिति फील हो रही है मुझे, जिस तरह से फील हो रही है ना एक न्याय की स्थिति, एक बैलेंस की एनर्जी। धीरे धीरे से सही ना आपका जो एक इम्बैलेंस स्टेट में था ना, मतलब एक अजीब सी आपको एक मतलब आप ओवर इमोशनल हो रहे थे, आप इमोशनल थे, तो अभी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे से ही आपका बैलेंस बनते जा रहा है, और
जो सामने है आपके, जो आपके पर्सन है, आपके पार्टनर, सो मेल है फीमेल है जो भी है, बट उनका बैलेंस बिगड़ते हुए मुझे नजर आ रहा है. मुझे लेटर एल, लेटर वी और लेटर बी प्रोमिनेंटली दिख रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई अपनी लेसन सीख रहा है या सीख चुका है लेसन्स, या फिर लेसन्स दिए गए हैं लेकिन उसे अभी तक वो ठीक से समझ नहीं पा रहा. यू नो लेसन का मतलब वो होता है कि जहाँ पे आपको सिर्फ सहना नहीं है, उसके लिए एक्शन भी लेना है, एक्शन भी लेना, तो वो चीज़ फील हो रही है. लेटर वाई अगेन मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखा. मुझे यश नाम और यतीन नाम पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ है. कर्मा की कोई तो एनर्जी है. मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कल सैटर्न ट्रांजिट हुआ है एक्वेरियस ये कैप्रिकॉन में, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लाइक ना सैटर्न ट्रांजिट बहुत ज़्यादा असर करने वाला है और कर चुका है. इनफैक्ट ये वाली एनर्जी है कि मुझे ना यहाँ पे यस एक अप एंड डाउन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है. अप एंड डाउन की एनर्जी इस तरह है ना कि मान लीजिए कि आप अभी तक डाउन थे और आपके पर्सन तो आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा अकड़ में है, लाइफ में अच्छा डिसीजन लिए हैं, चल गए हैं, एंगेजमेंट है किसी और के साथ, किसी और के साथ घूम रहे हैं, शादी की है, ये है वो है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी में जहाँ पे है अब थे वो अचानक से डाउन होने लगा है धीरे धीरे सही, और आपकी यहाँ पे उल्टा होने लगा है. लेकिन डिपेंड आपने अपने कर्मों को या अपनी लाइफ लेसन्स को कितना अच्छे से समझा है. अगेन वो सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही थी ना, जो लेन देन कुछ तो है. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को फील हो रहा है कि आज मैं जो भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ या मेरे लाइफ में कुछ भी जो मिसिंग एनर्जी है वो एक किसी का लेन देन बाकी है, किसी कुछ अधूरा है जो मुझे पूरा करना है, या कुछ तो मैंने आधा अधूरा छोड़ा है या फिर कम्प्लीटली छोड़ा हुआ है. वो सही नहीं था. एग्जैक्टली वही ट्रिगर पॉइंट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, जहाँ पे ये बात स्टार्ट हुई थी. मान लीजिए कि पेरेंट्स की वजह से सेपरेशन हुआ था, मान लीजिए कि कहीं करियर की वजह से सेपरेशन हुआ था, मान लीजिए कि कहीं किसी और के साथ एंगेज होने की वजह से, शादी करने के साथ सेपरेशन हुआ था या थर्ड पार्टी आने की वजह से हुआ था. एग्जैक्टली वही पॉइंट उनके लाइफ में रिपीट हो रहा है. एग्जैक्टली वैसे के वैसे सिचुएशन, और तभी जाके इंसान को ना जैसे मिरर की एनर्जी, लाइक नो अपना खुद सेल्फ देखना, अपनी खुद की एनर्जी देख पाना, ये फील हो गया. अभी इस इंसान का आपकी तरफ आना होगा ज़रूर, लेकिन सच कहूँ तो ना ये तो खुश होंगे आपको देख के, आपको मिल के, बट समाव ऐसा लगेगा कि आपको वो खुशी नहीं होगी इतनी ज़्यादा, एटलीस्ट नहीं होगी. मतलब आप होना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, बट समाव आपको नहीं पता कि आप कितना खुश होंगे या कितना होंगे भी नहीं, क्योंकि जिस कदर इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, स्पेशली विश्वास तोड़ा है, दिल से ज़्यादा विश्वास तोड़ा है, तो वापस सब चीज़ों का पर ट्रस्ट कर पाना, भरोसा करना आपके लिए एक अजीब सा नामुमकिन जैसी एनर्जी है. नामुमकिन मुझे रैबिट की एनर्जी मिली है, तो डेफिनेटली एक डरने की तो बात है, लेकिन ये किसी चीज़ से डर रहे हैं कौन किसी ऐसे केज में है ना, जैसे या फिर
कंट्रोलिंग सिचुएशन में ना उस चीज से डर रहे हैं, रैबिट, यू नो, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर विश्वास करना आपके लिए बहुत मुश्किल है. मतलब लिटरली मतलब आप मिलोगे, आप सुनोगे, बट आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे. लाइक सामने वाला भी आपके बिहेवियर से थोड़ा शॉक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपका पहले एक एनर्जी थी, आपका जैसे बिहेवियर था, एक अलग ही एक मतलब आपकी एनर्जी जैसे ओवर फ्लोइंग होती थी, वो प्यार, वो कंसर्न, वो कंपैशन वगैरह, जो भी चीज़ है ना, हर चीज़ ऐसा लगेगा कि मिसिंग है, मिसिंग है, मिसिंग है. ये सब इन्हीं की वजह से हुआ है. जैसे आज आप ना लिटरली मोम से पत्थर बन गए हो. वो जो एक इट्स नॉट अबाउट रॉक जो तोड़ा नहीं जा सकता, बट वो हार्ड हो गया है. लाइक नो, एकदम अजीब हो गया है कि इवन आप खुद को भी वो चीज़ से रिलेट नहीं कर पाते हो कि मैं ऐसा बन गया हूँ या बन गई हूँ. कि अजीब सा खामोश, अजीब सा रूट नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा एकदम शांत और वो सब चीज़. क्योंकि पहले लोगों ने आपको देखा है कि एकदम लाइवली इंसान, हंसता, खिलखिलाता, ये करता, वो करता, बट अभी ऐसा है ना कि आप करते तो हर चीज़ हो, लेकिन वो बात नहीं है, वो बात नहीं है. क्योंकि जैसे ना किसी ने आपका वो इनोसेंस, या फिर एक से ना आपकी जो एक क्या बोलते हैं उसको, इनोसेंस, वो जो एक निरागस ना कहते हैं, वो जो एक निरागस होना, या फिर एक बहुत ही ज़्यादा प्योर होना, वो सभी जैसे कोई छीन लिया हो, या फिर आप खुद उस चीज़ से डरने लगे हो कि वो कोई छीन ना ले. मतलब आप अभी जैसे ना अपनी इनोसेंस छुपा के रखे हो, बस हो गया यार. चीट तो नहीं करना है, लेकिन बुद्धू भी नहीं बनना. चीट तो नहीं करना, लेकिन बुद्धू भी नहीं बनना, ऐसी एनर्जी में हो. मुझे यहाँ पे ना 2 नंबर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और ये भी दिख रहा है कि कल रात ये पर्सन स्टॉकिंग एनर्जी में ज़रूर थे. ये मुझे हॉर्स दिख रहा है, लेकिन सी हॉर्स की एनर्जी है. और जब इमोशंस के मामले में है ना, तभी इनकी एनर्जी स्पेशली ऐसा लग रहा है कि रात को एनर्जी बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग में जाती है, लेकिन सुबह होते होते प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि चलो भाई हो नहीं सकता, चुप बैठो, चुप बैठो, वाली एनर्जी हो जाती है. बहुत लाइक किसी चीज़ से डर है, किसी इंसान से हो या किसी चीज़ से ना, बहुत ज़्यादा एक डरने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है. लेट्स सी कि इनकी तरफ से एक्शन क्या हो सकता है. थ्रोट चक्र, इंट्यूशन, नाइन ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, हार्मनी. एक लास्ट कार्ड लगे हैं. ओहो, 8 of Wands. सो बात करने की इच्छा, आपकी तरफ आने की इच्छा. आई डोंट नो, दिख नहीं रहा है. अच्छा, ये बात करने की बैकग्राउंड है ना, कर्टन लाइट कलर का हो गया. इट्स ओके. सो एक्सेलरेटेड मोशन, बात करने की इच्छा, और लिटरली मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग. इनकी इंट्यूशंस, इनकी ड्रीम्स उनको कुछ कहना चाहते हैं, और हो ना हो उनको ना बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, बहुत बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं. ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस. तो मतलब ये भी आपको, लेकिन विश करते हैं ना कि ये मिल जाए इंसान, ये इनसे बात हो पाए, ये इनकी आवाज़ ज़रूर खुलेगी. और मुझे से लगता है ना,
टू नंबर विड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और यहाँ पे मुझे टू डेज की एनर्जी भी नज़र आ रही है, हाँ मनी. तो ये प्यार का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, वो जुड़ के रहेगा. शायद उन्होंने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया हो, शायद नहीं, बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है. आज उसी बात का उनको एहसास ज़रूर होगा. कर्मा तो होता है, वो भुगतना पड़ेगा ही, और आपको अपने अच्छे कर्म का फल ज़रूर मिलेगा. लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस. सीक्रेट प्लान और यस. सो यूनिवर्स का कहना है यस, आपका कोई भी सवाल का जवाब जैसे यूनिवर्स ने यस दिया है, और सीक्रेट प्लान. तो यूनिवर्स का तो आपके लिए कोई स्पेशल प्लान था, है इनफैक्ट प्लान था, मतलब ये जो नहीं हो रहा है ना उसका, और नहीं हो रहा है उसका एक सीक्रेट प्लान है, कुछ तो स्पेशल प्लान है आपके लिए. तो यूनिवर्स तो यही चाहेगी कि आपका भला हो. तो आपने अभी जो भी सहा है ना, आपको लग रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, यूनिवर्स नहीं देख रही है, मुझे भी छोड़ दिया है ऐसे ही भाई, ऐसे नहीं, यूनिवर्स देखेगी ज़रूर, देख रही है. तो ये थी रीडिंग. आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.